वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचडी सॉल्यूशंस। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ क्या है। तो आप लोग अगर सीएससी भीली हो या फिर बैंक बीसी चला रहे हो या फिर कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी कंपनी का माइक्रो एटीएम यूज़ करके आप लोग अपने सेंटर में या फिर शॉप में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये दो चीज़ मतलब ये चीज़ आप लोग को ज़रूरी रखना है सेंटर में, ताकि हर एक ट्रांजेक्शन का मतलब रजिस्टर करके रख सकते हो आप लोग। नहीं तो आप लोगों को बाद में परेशानी आ सकती है, आपके सेंटर में कोई भी ऑफिसर विजिट करके आपको पकड़ सकते हैं कि आपका रजिस्टर कहाँ है, जो आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका रजिस्टर कहाँ है। और ऐसा भी हो सकता है कस्टमर से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये लेन देन का बात है, पैसों का बात है। तो कोई भी आदमी अगर आपसे पैसा लेके फिर बोल सकते हैं कि मैंने पैसा नहीं लिया। तो आप लोग ये चीज़ अगर आप लोग सेंटर में रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए भी, सभी के लिए भी। तो देखिए ये दो चीज़ क्या है, ये मैंने ये बना लिया, प्रेस से बना लिया। एक्चुअली आप लोग खुद से मार्केट से जो कॉपी है वो ख़रीद के रूल टर्न के भी कर सकते हो। तो मैंने ये प्रेस से बना लिया, तो देखते हैं इसमें कैसा बनाया। तो ये देखिए ये HDFC का हो गया। तो ये देखिए ट्रांजेक्शन रजिस्टर, इसमें देखिए सीरियल नंबर है, डेट है, ट्रांजेक्शन टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें कस्टमर का नेम, अकाउंट नंबर और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें देखिए कैश डिपॉजिट है और कैश विड्रॉ है ये, फिर अमाउंट, फिर नेम ऑफ बैंक, किस बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किस बैंक से विड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद देखिए सक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर रिजेक्ट हुआ या फिर सक्सेस हुआ ट्रांजेक्शन, ये भी दे सकते हो इसमें। ये देखिए ट्रांजेक्शन नंबर या फिर RRN नंबर, इधर नोट करके कस्टमर से सिग्नेचर लेके उसको पैसा देख सकते हो, या फिर अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट का स्लिप देके यह सिग्नेचर लेके रख सकते हो। ये आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। ये देखिए मैं ये CSC और HDFC दो लोगो लगा दिया इसमें। तो ये रजिस्टर एक्चुअली HDFC का जो मतलब ABS से हम लोग काम कर रहे हैं, अदर लिंक वाला विड्रो डिपॉजिट, तो इसके लिए ये बनाया मैंने, ठीक है। ये हो गया HDFC का और ये वाला हो गया DigiPay का। ये देखिए मैंने DigiPay का बना लिया इसमें। ये देखिए इसमें CSC लोगो लगा लिया, कैश ट्रांजेक्शन रजिस्टर है, डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर, इसमें ये सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ये देखिए आधार नंबर या फिर CIF नंबर या फिर मोबाइल नंबर, कुछ भी तीनों में से एक लिख सकते हो इधर। उसके बाद ये देखिए कैश डिपॉजिट किया हुआ है तो कितना रुपीज़ किया हुआ है यहाँ लिख सकते हो, कैश विड्रॉल कितना, अगर विड्रॉ किया है तो कितना रुपीज़ यहाँ लिख सकते हो, नंबर ऑफ नोट्स की कौन सा नोट दिया कस्टमर को, कितना नोट दिया मतलब ये लिख सकते हो डिटेल्स, या फिर फंड ट्रांसफ़र, अगर फंड ट्रांसफ़र किया है तो फंड ट्रांसफ़र का डिटेल्स लिख सकते हो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी लिख सकते हो इधर, और इधर कस्टमर का सिग्नेचर रख के लग सकते हो। तो अगर आप लोग ऐसा सेम बनाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेस का नंबर डाल दूंगा, प्रेस से कॉन्टैक्ट करके सेम ऐसा आप लोग बना सकते हो। अगर हम मेरे एरिया में हो, आप लोग जो भी VLA मेरे एरिया में रहता है तो ऐसा सेम बना सकते हो, मैं डाल दूंगा। और इसका PDF भी डाल दूंगा इस फॉर्मेट का, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।